हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त रामास्वामी। ये है ऑल न्यू 2023 बजाज पल्सर 150 20 का अपडेटेड मॉडल। अब यहां अपडेट क्या आया है, सबसे पहले बाइक में को BS6 फेस टू का अपडेट दिया गया है और BG2 सेंसर ऐड ऑन कर दिया गया है। साथ ही साथ देखो आपको E20 का स्टिकर लगाया गया है, मतलब इस बाइक में को E20 कंप्लाइंट इंजन दिया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में आपको 2023 बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क में हुए चेंजेस, इसमें मिलने वाली फीचर्स, 2023 में इसके लेटेस्ट ऑन रोड प्राइस क्या है, माइलेज क्या है, टॉप स्पीड क्या है, इसमें टोटल कितने वेरिएंट्स आते हैं, कितने कलर ऑप्शन है, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस बाइक के कुछ सिनेमेटिक व्यू के साथ इस रिव्यू को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले अगर बात करें पल्सर 150 के वेरिएंट की तो मेरे को टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं इसका ट्विन डिस्क वेरिएंट है, इसके अलावा भी मेरे को सिंगल डिस्क वेरिएंट रहता है। अगर बात करें इसके कलर ऑप्शन की तो इसमें को टोटल 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं। जो सामने आप देख रहे हैं ब्लैक विथ ब्लू है, इसके अलावा भी मेरे को ब्लैक विथ सिल्वर आता है, ब्लैक विथ रेड आता है। ब्लैक विथ रेड के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखा है, चाहे तो जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट के लुक से। अगर बात करें फ्रंट से तो फ्रंट से बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका फ्रंट का लुक देखो, काफ़ी फेमस लुक है। यहाँ आपको हैलोजन हैंडल का सेटअप मिलता है, साथ में आपको यहाँ 2 पायलट लैंप मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी देखो यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन के दिए गए, हल्के से फ्लेक्सिबल भी हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी देखो यहाँ पे आपको ये विंड वाइजर दिया गया है, सेंटर में आपको बजाज का एक लोगो लगाया गया है। यहाँ साइड में को हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं, ये ब्लू और यहाँ फेक कार्बन टेक्सचर टाइप का, यहाँ पे थोड़ा ग्राफिक्स दिया गया है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखो यहाँ आपको नंबर प्लेट की जगह मिल जाता है। अगर बात करें मडगार्ड की, देखो मडगार्ड आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक कलर में दिया गया है, आपकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर भी आपको हल्का सा फेक कार्बन टेक्सचर दिया गया है तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि पल्सर 150 ट्विन डिस्क का ये फ्रंट लुक आपको कैसा लगता है। अगर बात करें इसके सस्पेंशन की, देखो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है, 37mm डायमीटर के साथ मिलता है। इसमें आपको सिंगल डिस्क वाला जो वेरिएंट आता है ना, वहाँ भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है पर हल्का सा पतला मिलता है। वहाँ आपको 31mm डायमीटर का मिलता है पर ट्विन डिस्क में आपको 37mm डायमीटर का मिलता है। तो यहाँ आपको सस्पेंशन थोड़ा मोटा दिया गया है। सस्पेंशन के ऊपर यहाँ आपको एक साइड रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है। अगर बात करें ब्रेकिंग की, देखो इस बाइक में को सिंगल चैनल ABS मिलता है, फ्रंट में 280mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। अगर बात करें टायर सेक्शन की, देखो यहाँ आपको MRF का ट्यूबलेस टायर मिलता है, 90x90 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिल रहा है। अलावा यहाँ पर पूरा ब्लैकआउट दिया गया है। यहाँ पे आपको रिम के ऊपर भी हल्का सा स्ट्रिपिंग लगाया गया है ब्लू कलर का, यहाँ पे आपको हल्का सा ब्लू का टच दिया गया है तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी जो रेड आता है उसके ऊपर रेड का मिलता है और जो सिल्वर वाला आता है उसके ऊपर आपको सिल्वर का टच दिया जाता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा कलर ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं इसके राइट के साइड को। अगर बात करें राइट से तो राइट से ये बाइक कुछ ऐसा लगता है। सबसे पहले इसका लुक देखो, काफ़ी फेमस लुक है और काफ़ी स्पोर्टियर भी लगता है। बाकी देखो यहाँ आपको सेंटर में ये पल्सर 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा। ये पल्सर के जो आउटलाइन दिया गया ना वो ब्लैक कलर में दिया गया तो देखने में काफी प्रीमियम लग रहा है। बाकी जो टैंक काउल है ना काफी साफ लुक में दिया जाता है तो देखने में काफी अच्छा लगता है। बाकी ये जो डिकोल्स वगैरह लगाया गया है ना वो भी इसके लुक को काफी इनहेंस कर देते हैं। यहाँ पे आपको ब्लू कलर का स्ट्रिपिंग लगा हुआ है, हल्के से फेक कार्बन टेक्सचर है, यहाँ पे आपको हल्का सा फेक कार्बन टेक्सचर दिया गया इस पार्ट में। रियर के पार्ट में आपको 150 लिखा हुआ मिल जाएगा, हल्के से ग्राफिक्स दिए गए हैं ब्लू कलर में दिए गए हैं। अगर बात करें सीट की, देखो आपको सीट इसमें स्प्लिट मिलता है, ये आपको जो ट्विन डिस्क है इसमें आपको सीट स्प्लिट मिलता है पर जो सिंगल डिस्क है ना वहाँ आपको सीट भी सिंगल मिलता है तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ट्विन डिस्क स्प्लिट सीट वाला आपको ज़्यादा अच्छा लगता है या सिंगल सीट वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। बात करें अगर सीट के कंफर्ट की, देखो इसका सीट का कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है क्योंकि सीट की कुशनिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ आपको स्प्लिट टाइप में ग्रेवल मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पोर्टियर लगता है। अगला देखो अगर बात करें फुटरेस्ट की, देखो फुटरेस्ट की बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। देखो बजाज पल्सर में आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी इसके ऊपर आपको रबर का ग्रिपिंग वगैरह लगाया जाता है तो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है, मतलब पैर स्लिप नहीं करता है। यहाँ पे आपको जाइडा का जो फुटरेस्ट दिया गया है काफ़ी अच्छा बिल्ड क्वालिटी के साथ दिया गया है, रबर का ग्रिपिंग भी है। यहाँ पे आपको देखो ब्रेक लीवर दिया गया है और देखो यहाँ पे आपको इंजन काउल भी लगाया गया है। इसके ऊपर भी आपको डिकॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, यहाँ आपको लेग गार्ड मिल जाएगा, यहाँ आपको इंजन के ऊपर बजाज DTSI का आपको ब्रांडिंग मिल जाएगा, यहाँ पे आपको DTSI इंजन मिलता है। अगर बात करें रियर पार्ट की, देखो रियर में आपको एग्जॉस्ट काफी मस्कुलर दिया जाता है, काफी अच्छा डिजाइन में दिया जाता है। इसके ऊपर भी आपको ये यहाँ मेटल का ये मफला गार्ड लगाया जाता है तो ये भी काफी प्रोटेक्ट कर देता है। अगर बात करें रियर साइड की, देखो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, जैसे कि मैंने बताया इसमें ट्विन डिस्क है तो रियर में आपको 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है। देखो यहाँ पे रियर में 230mm का डिस्क ब्रेक मिलता है,
बाकी देखो इसमें सिंगल चैनल ABS मिलता है, ये देखो RLB प्लेट लगाए गए हैं, तो इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कोई ड्यूल चैनल ABS नहीं मिलता है, सिंगल चैनल ABS ही मिलता है। ये आपको यहाँ पे स्पीड सेंसर वगैरह के लिए लगाया गया है। अगर बात करें टायर की, देखो यहाँ भी आपको MRF का ट्यूबलेस टायर मिलता है, और यहाँ जो टायर है ना थोड़ा सा वाइडर है, 120-80 का आपको टायर है, 17 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर दिया जाता है, और अलॉय भी आपको 17 इंच का मिलता है, पूरा ब्लैकआउट दिया गया है, और मैंने आपको बताया हल्का सा स्ट्रिपिंग है, ब्लू कलर दिए गए हैं, तो इसके लुक को काफ़ी इन्हांस कर दे रहा है। अगर बात करें रियर सस्पेंशन की, देखो रियर में आपको ट्विन शॉक सस्पेंशन मिलता है, और ये गैस फिल्ड विद कैनिस्टर है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब बात करते हैं इसके मेन इंजन की, देखो यहाँ पर 149.5 सीसी का एयर कूल 2-valve 4-stroke ट्विन स्पार्क DTSI BS6 Phase 2 OBD2 E20 वाला FI इंजन दिया जाता है। इसमें जो अपडेट आया है ना BS6 Phase 2 वाला अपडेट आया है, अब बहुत लोग BS7 भी बोलते हैं, BS6 Phase 2 भी बोलते हैं, तो कुछ भी बोल लो मतलब वही अपडेट आया है। अगर बात करें इंजन डायमेंशन की, तो बोर्ड 57mm का दिया जाता है, स्ट्रोक 56.4mm का दिया जाता है। अगर बात करें इसके पावर की, देखो पावर काफ़ी अच्छा मिल जाता है, इसका मैक्सिमम पावर 14 PS का मिल जाता है 8500 RPM पे, और मैक्सिमम टॉर्क है 13.25 न्यूटन मीटर का मिल जाता है 6500 RPM पे। पावर और टॉर्क इस बाइक में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, एक बार आप इस चला के देखो फिर आपको पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं इसके रियर के सेक्शन को। अगर बात करें रियर से, तो रियर से बाइक को कैसा लगता है, सबसे पहले इसका रियर का लुक देखो, यहाँ आपको सिग्नेचर स्टाइल में LED टेल लाइट दिया जाता है, जो कि आपको पल्सर का एक सिग्नेचर स्टाइल है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी यूनिक है। बाकी देखो यहाँ पे सेंटर में एक रिफ्लेक्टर लगाया गया, नंबर प्लेट लाइट भी दिया गया और नंबर प्लेट की जगह दिया गया। अगर बात करें टर्न इंडिकेटर आपको हैलोजन के दिए गए, फ्लेक्सिबल भी हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका रियर का जो सेक्शन है वो आपको कैसा लगता है। चलिए देखते हैं इसके लेफ्ट के प्रोफाइल को। अगर बात करें लेफ्ट से, तो लेफ्ट से बाइक कुछ ऐसा लगता है, सबसे पहले इसका लेफ्ट का लुक देखो, आपको राइट की तरफ पूरा बॉडी दिया गया है, यहाँ आपको ये डिकॉल्स वगैरह ब्लू कलर में दिए गए, हल्के से फेक कार्बन टेक्सचर है, यहाँ पल्सर आपको 3D में लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ पे आपको हल्का सा फेक कार्बन टेक्सचर दिया गया है, ये आपको मैट ब्लैक में पार्ट दिया गया है, ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक में दिया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ देखो आपको 150 लिखा हुआ मिल जाएगा, स्टिकर में लिखा हुआ गया है, और यहाँ भी आपको ये डिकॉल्स वगैरह लगाए गए हैं, यहाँ भी आपको फेक कार्बन टेक्सचर ये ब्लू कलर में डिकॉल्स लगाए गए हैं। अगर बात करें इसके गियर की, देखो यहाँ आपको 5-speed गियर बॉक्स मिलता है, 1-down 4-up है, और यहाँ जो गियर लीवर दिया गया ना वो 2-shifter दिया गया है, तो ये देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। बाकी इसमें आपको सिंगल डिस्क आते हैं ना, वहाँ आपको टो और हिल शिफ्टर दोनों मिल जाते हैं, पर ट्विन डिस्क पे थोड़ा स्पोर्टी बनाने के लिए आपको 2-shifter दिया जाता है। बाकी देखो इंजन काउल आपको काफ़ी शार्प लुक में दिया गया है, इसके बिल्ड क्वालिटी का काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है। इंजन के ऊपर आपको बजाज DTSI का स्टिकर लगाया गया, लोगो लगाया गया है। अगर बात करें चेन सेट की, देखो आपको ओपन चेन सिस्टम दिया जाता है, देखो ये ओपन चेन सिस्टम देखने में तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इसका एक डीमेरिट मुझे ये लगता है कि 400 से 500 के बीच में एक बार वॉश करके आपको लूप करना पड़ता है, लेकिन उतना आपने मेंटेन कर दिया तो देखने में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा लगता है और चलता भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी देखो आपको कंपनी फिट साड़ी गार्ड भी मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब देखो स्पोर्टियर बाइक है, साथ में को साड़ी गार्ड भी मिल जाता है ना, तो लेडीज़ पिलियन वगैरह बैठाओगे ना तो साड़ी दुपट्टा फंसने का चांस यहाँ नहीं होते हैं, मतलब अगर ये नहीं रहना तो उसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, मतलब फंस जाता है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो ये जो चीज़ दिया हुआ है कंपनी फिटेड ये अच्छा दिया जाता है, मतलब इससे एक्सीडेंट नहीं होते हैं। अगला चीज़ देखो इसमें मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर भी दिया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अगर स्टैंड लगा रह गया ना तो अपने आप इसका इंजन कट जाएगा, मतलब चलते में अगर लग गया तो इंजन अपने आप कटअप हो जाएगा, या लगा रहा ना तो स्टार्ट करके आप गियर में लोगे तो अपने आप बंद हो जाएगा, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा रहता है। अब मेन बात करते हैं इस बाइक की कुछ ओवरऑल डायमेंशन की, अगर बात करें इसके ओवरऑल लेंथ की, तो ओवरऑल लेंथ 2035mm का मिल जाता है, ओवरऑल लेंथ है 750mm का मिल जाता है, ओवरऑल हाइट है 1150mm का मिल जाता है, ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा है, 165 का ग्राउंड क्लियरेंस है। अगर बात करें व्हील बेस की, तो व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा है, 1345mm का व्हील बेस दिया जाता है। अगर बात करें कर्व वेट की, देखो 150 kg का कर्व वेट है, पर जब चलाने जाओगे ना तो काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से चलता है। अगर बात करें इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, देखो यहाँ को 15 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलता है, तो काफ़ी बड़ा है, इसमें माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। बाकी देखो टैंक के ऊपर यहाँ टैंक पैड भी लगाया गया, हल्का सा फेक कार्बन टेक्सचर भी दिया गया, तो देखने में लुक काफ़ी अच्छा हो जाता है। बाकी देखो ये पार्ट जो है ना ये भी चेंज किया गया है, आपको याद होगा E20 के पहले जो ये पार्ट आता था ना ये दूसरे कलर में आता था, अभी यहाँ पे पूरा ब्लैकआउट किया गया है, इसको तो आपको E20 का स्टिकर भी लगाया गया, ऑलरेडी मैंने बताया इसमें जो एथेनॉल मिक्स पेट्रोल आने वाला है वो आप रखवा सकते हो, और जब तक नहीं आता है इसमें आप नॉर्मल पेट्रोल रखा लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर बात करें मीटर कंसोल की, देखो यहाँ पे मीटर आपको एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, अभी शायद यहाँ बैटरी कनेक्शन नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा। देखो ये टैकोमीटर है, आपको ये एनालॉग दिया जाता है, बाकी आपको डिजिटल मीटर मिलता है, इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कटअप सेंसर मिल जाता है, एवरेज इंडिकेटर मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी का फीचर मिल जाता है, डिस्टेंस टू एम्प्टी काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब आपके टैंक में कितना पेट्रोल है वो दिखा देगा कि कितना किलोमीटर तक जा सकता है, उसके अंदर आपको पेट्रोल भरवा लेना होगा, तो ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगता है।
बाकी देखो यहाँ आपको लाइट वगैरह दिया गया है, यहाँ टर्न इंडिकेटर का लाइट दिया गया है, न्यूट्रल की लाइट दी गई है, यहाँ हेडलाइट का लाइट दिया गया है, यहाँ पे कोई ABS का लाइट मिल जाएगा, यहाँ से आप टॉगल अलग कर सकते हो। यहाँ साइड में भी आपको हल्का सा फेक कार्बन टेक्सचर दिया गया है, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अगर बात करें स्विचेस की, देखो यहाँ आपको पास लाइट का स्विच मिलता है, अपर बीम लोअर बीम टर्न इंडिकेटर का स्विच, यहाँ एक हॉर्न का स्विच दिया गया है, यहाँ इंजन किल स्विच दिया गया है, यहाँ इग्निशन का स्विच दिया गया है। बाकी देखो मिरर भी आपको वहीं वाला दिया गया है, इसमें ज़्यादा चेंज वगैरह कुछ नहीं किया गया। मेन चीज़ देखो इसमें हल्के से जो कॉस्मेटिक मैंने बताया ये पार्ट चेंज कर दिया गया है, बेसिक्स फेज टू वाला अपडेट दिया गया है, E20 वाला अपडेट दिया गया है, वो भी D2 सेंसर एड ऑन कर दिया गया, यही सब अपडेट किया गया, ज़्यादा कुछ अपडेट नहीं किया गया है। अब मेन बात करते हैं इसके माइलेज की, देखो यहाँ माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, 45 से 50 KMPL का माइलेज मिल जाता है। बाकी देखो माइलेज डिपेंड करता है आपके राइडिंग कंडीशन पे, रोड कंडीशन पे, काफ़ी फैक्टर मैटर करता है आपके माइलेज पे। लेकिन इस बाइक को आपने नॉर्मल स्पीड में चला लिया ना, इकोनॉमी स्पीड में चला लिया ना, तो 45 से 50 KMPL का माइलेज तो आराम से मिल जाता है। बाकी जिनके पास ये बाइक है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको माइलेज कितना मिलता है। अब मेन बात करते हैं इसके प्राइस की, देखो उसका ऑनरोड प्राइस पुणे में 1,39,168 के अराउंड आता है। बाकी आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं, अपना सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके सिटी का लेटेस्ट प्राइस बता दूंगा। और मैं स्पेशल थैंक देना चाहूँगा सौरे बाजार तलेगांव का, जिन्होंने बाइक मुझे प्रोवाइड किया रिव्यू करने के लिए। शोरूम के सारे डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो भी मेरे दोस्त पुणे से बिलोंग करते हैं, इस बाइक को लेना चाहते हैं, टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं, दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं या शोरूम विजिट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे इंस्टाग्राम आईडी देखा है आप वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करना, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।